हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। सो गाइज, यहाँ पर आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के बालों की कटिंग कर रही हूँ। वैसे यहाँ पर सैलून वगैरह खुल गया हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी खतरा है, क्योंकि ये बता रहे थे कि कहीं पर क्या हुआ था कि सैलून से ही कोरोना का चेन बना था, तो वहाँ जाने में भी खतरा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हेयर कटिंग तो करती हूँ, मेरे परी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन बॉय कट मैं पहली बार कट कर रही हूँ। और जैसे जैसे ये बता रहे थे, मैं वैसे ही कटिंग कर रही थी और अच्छी कटिंग हो गई थी। लेकिन पता नहीं बाद में इनको क्या हुआ कि इन्होंने पूरे बालों को ट्रिम कर लिया। फिर बाद में मैंने इनको बोला भी कि कम से कम मैं अपने सब्सक्राइबर को आपका फाइनल लुक तो दिखा देती कि मैंने कैसी कटिंग की है। तो इन्होंने बोला कि जो मैंने ट्रिम किया है वही दिखा दो। तो मैंने बोला कि मैं ये तो नहीं दिखाऊंगी। और मैंने इनको ये भी बोला कि मैं आपको अपने ब्लॉग में भी नहीं लाऊंगी जब तक कि आपके बाल नहीं आ जाएंगे। तो फिर ये बोल रहे थे कि परी का बर्थडे आने वाला है, तुमको तो ब्लॉग में लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं बालों की कटिंग में लगी हूँ। और कौन कौन लॉकडाउन में इस टाइप का काम कर रहा है कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए कटिंग करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ चिल्ड शरबत पीने, तो आप लोग भी पी लीजिए। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैंने आप लोगों को कल के और परसों के ब्लॉग में भी बताया था। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सुबह सुबह ही आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो गाइज, आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ चाउमीन, और परी का डिमांड है, परी के डिमांड पे ही बन रहा है। तो यहाँ पर मैं चाउमीन को बॉयल कर रही हूँ और मैं डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले ही रेसिपी शेयर किया था। और ये देखिए, आज हमारे यहाँ टूटी फ्रूटी भी बन रहा है, तो मैंने कट करके रख दिया था, ये बना रहे हैं इसको। तो यहाँ पर इन्होंने 4 अलग अलग कलर में बनाया है, और ये भी परी के डिमांड पे ही बना है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। वैसे आज मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है। और ये है इन्वर्टर का पानी जो कि अभी ये लेके आए हैं, तो मैंने इसको भी सैनिटाइज किया है ऊपर से, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स हैं जो कि इन्होंने साफ़ कर दिया है, तो इसको मैंने फ़ैन के नीचे डाल दिया है सूखने के लिए। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि पूछ रही थी कि आप सब्जियों को और फलों को कैसे साफ़ करते हो, तो मैं तो नहीं करती हूँ। ये क्या करते हैं कि जब भी बाहर से लेके आते हैं या फिर कोई भी सब्जी वाला या फल वाला आता है, तो लेके और बाहर में ही बाल्टी में सर्फ डाल के और उसको धो लेते हैं। तो जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, तो हमारे यहाँ फल और सब्जी को तो सर्फ के पानी से ही साफ़ किया जाता है, फिर मैं उसको फ़ैन के नीचे डाल के ड्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ, और किसी दिन मैं इनको बोलूँगी कि ये आप लोगों को बताए कि ये फल और सब्जियों को सर्फ के पानी में क्यों साफ़ करते हैं, तो ये आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने कच्चा आम को बॉयल कर लिया है, फिर मैश कर लिया है आम पन्ना बनाने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ आम पन्ना बनाने, और यहाँ पर मैंने पुदीना का पत्ता भी ऐड किया है। सो गाइज, आम पन्ना तो बन गया था, लेकिन मैंने डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं किया। और अभी मैं लंच बना रही हूँ, और यहाँ पर मैं भिंडी को फ्राई कर रही हूँ, भिंडी की मैं ड्राई सब्जी बना रही हूँ। इसके अलावा मैं बना रही हूँ रोटी, और आज चावल नहीं बनाऊँगी। इसके अलावा मैंने बनाया है कोफ्ता। तो बस मेरा लंच तैयार है, अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। और ये देखिए, कोफ्ता बहुत ही टेस्टी बना है, और इसमें इनका भी हाथ है, तो बहुत ही टेस्टी बना है। सो गाइज, हमारा लंच हो गया है, और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे काम थे, तो वही मैं कर रही हूँ। घी को मैं बर्तन में रख रही हूँ, और इसको मैंने कल ही कट कर दिया था, लेकिन रखने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो वही मैं अभी रख रही हूँ, नहीं तो फिर ये ऐसे ही रह जाता। सो
सो गाइज यहाँ पर मैं पंचफोरन बना रही हूँ और मैं पंचफोरन को घर में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, पीली सरसों और जीरा। और यहाँ पर आपको 5 की जगह 6 आइटम दिख रहा है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बस इसको मिक्स कर लेना है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको स्टोर करके भी रख लिया है और ये 1 महीना तो आराम से चल जाएगा। और इसको किसी भी सब्ज़ी में डालिए, इसको डालने से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। सो गाइस यहाँ पर कल के कस्टर्ड बचे हुए थे तो मैं वहीं खा रही हूँ और इसका जो टेस्ट है कल से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें मैंगो भी डाला है, कल मैंने मैंगो नहीं डाला था। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।